देश में पटाखों पर बैन लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने जो प्रोटोकॉल बनाया है उसे सभी पक्षों को दिया जा चुका है, जिसमें सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत की बात कही गई है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन क्रैकर्स के निर्माण और बिक्री की अनुमति देने का आग्रह करते हुए कहा कि ग्रीन पटाखों के लिए रिसर्च और परीक्षण में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान या NEERI ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमने पटाखों की क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की QR कोडिंग लागू किया है। इसके अलावा हम पटाखा निर्माण से जुड़े उद्योग में ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके तहत अब तक 1000 से अधिक निर्माताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। साथ ही ये भी बताया गया कि हर 3 साल में एक टेक्निकल कमेटी द्वारा उत्सर्जन के मानकों की भी समीक्षा की जाएगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि नागपुर और शिवकाशी में प्रतिवर्ष 5000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करना है। शिवकाशी और नागपुर में सुविधा को 25,000 परीक्षण टन बढ़ाया जाएगा। केंद्र का कहना है कि अदालत पटाखों के निर्माण और बिक्री पर लगी रोक हटाने पर विचार कर सकती है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगस्त 2023 में सरकार और पटाखा निर्माताओं द्वारा मिलकर कच्चा माल प्रतिस्पर्धा विश्लेषण और परीक्षण सुविधा या रेस स्थापित की गई है। जस्टिस बोपन्ना ने केंद्र सरकार से पूछा कि त्योहारों के सीजन के दौरान जब बड़े पैमाने पर इसकी बिक्री और उपयोग होता है, उस दौरान इस नियम को लागू करने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म मौजूद है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भाटी ने बताया कि हमने प्रोटोकॉल की एक लिस्ट बनाई है। इसमें CSIR और NEERI के साथ पटाखा निर्माताओं का ऑनलाइन पंजीकरण, अधिकृत एजेंसियों द्वारा QR कोडिंग, रैंडम चेकिंग की व्यवस्था भी की गई है। इस पर जस्टिस बोपन्ना ने पूछा कि नियम तोड़ने वालों के लिए जुर्माना क्या है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि नियम का उल्लंघन करने पर उनका लाइसेंस रद्द करने और निलंबन करने का भी प्रावधान है। जस्टिस बोपन्ना ने पूछा कि सैंपल इकट्ठा करने के लिए कौन अधिकृत है। ASG ने बताया कि हमने सिस्टम बनाया है, उसमें सभी को जोड़ा गया है। ये ज्यादा सख्त प्रोटोकॉल है। मैन्युफैक्चरिंग के शुरुआत में ही गुणवत्ता नियंत्रण और जांच की जाएगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सिर्फ ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जाए। दरअसल अर्जुन गोपाल की तरफ से पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज़।